वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। यह वीडियो नॉन हिंदी का है, लेसन 19। अब आपका पूरा बुक कंप्लीट होने के कगार पर है और इसके बाद से आप मैराथन क्लास के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि उसमें पूरे बुक का निचोड़ रहेगा, मल्टीपल चॉइस टोटल रहेगा, ऑब्जेक्टिव और पूरा बुक का सब्जेक्टिव का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इस लेसन को थोड़ा सा हम लोग देख लें कि ये लेसन जो 19 है, यानी जन नायक कर्पूरी ठाकुर, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अभी बिहार के हैं, आखिरकार इनको जन नायक क्यों कहा गया, ठीक है, और ये अपने बिहार के लिए क्या क्या योगदान दिए हैं। थोड़ा सा पहले इनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से ये किस तरह क्रांति में भाग लिए हैं ये जानेंगे। देखते हैं इधर जन नायक कर्पूरी ठाकुर, यहाँ देखें कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन की यात्रा के बारे में, कि इनका बचपन कैसा रहा, बचपना कैसे बीता, ठीक है, और ये अपने बचपना में, उसके बाद से एक परिवार से कितने गरीब होने के बावजूद भी संघर्ष किए हैं, इनका राजनीतिक विवेक सोच कैसा रहा और मानवता का वर्णन, और ये किस प्रकार के इंसान थे, गरीबों के प्रति इनका ख्याल कैसा था, क्योंकि ये खुद एक गरीब थे, तो आगे चलकर अपने भविष्य में कितने गरीबों की हेल्प और सहायता मतलब करते हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, इनका जन्म हुआ है 24 फरवरी 1921 में, ठीक है, बिहार के समस्तीपुर के निकट पितौजिया गांव एक है, पितौजिया गांव है समस्तीपुर में, बिहार में ही है, ठीक है, वहां पे हुआ था 1921 में, ठीक है। माता का नाम राम दुलारी देवी और पिता का नाम गोकुल ठाकुर था, और इनकी पत्नी का नाम देखिए फुलेश्वरी देवी था, ठीक है। अब देखें यहाँ पे राजेंद्र शर्मा द्वारा लिखित एक, कहा जाता है कि इनके बारे में राजेंद्र शर्मा क्या बोले हैं, देखिए राजेंद्र शर्मा बोले हैं कि गीत गाने और मंडली में डफ बजाने का शौक इनको था, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा ये शौक रखते थे गीत और बजाने। जैसे होता है कि बिहार में सीजन वाइज गाना चलता है, जैसे चैत में चैता लोग गाते हैं, ठीक है, और होली में लोग फागुन का गीत गाते हैं, वैसे ही इनको मतलब सीजन वाला गीत गाना बहुत अच्छा लगता था और उसमें एकदम ये डूब जाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। यानी राजेंद्र शर्मा जो ये लिखे हैं, गाना गाने का शौक और मंडली में यानी ग्रुप में डफली बजाने का शौक था, ठीक है। बचपन में देखिए 6 वर्ष में ये क्या कहें, स्कूल की पढ़ाई शुरू कर दिए, और स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ जिस तरह गांव के बच्चे बचपना में क्या करते हैं, चारों तरफ खेलते भी हैं, खेलकूद भी करते हैं और पशुओं को चराते भी थे, तो वही काम करते थे। 6 वर्ष की उम्र में स्कूल जाना शुरू कर दिए, पशुओं को चराते भी थे, यानी पढ़ने के बाद से शाम को चरागाह में जा करके और जाके पशुओं को चराते भी थे, और इन्हें दौड़ने और तैरने का भी बहुत शौक था, यानी पानी में जो तैरते हैं इन्हें शौक था और दौड़ने का भी शौक था। आगे देखिए 1940 में इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम दिया और वहाँ पे द्वितीय श्रेणी यानी सेकेंड डिवीजन से ये पास किए, ठीक है। फिर उन्होंने आईए में एडमिशन लिया, ठीक है, आईए का मतलब इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट, यानी कि आर्ट से ये इंटर की पढ़ाई किए, ठीक है, कॉलेज दरभंगा में, ठीक है, और वहीं से इनके जीवन में एक नई मोड़ आई, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है, दरभंगा में देखिएगा, यहाँ पे लिखा है चंद्रधारी मिथिला कॉलेज बीए में नामांकन कराया, और वहाँ से इतना मेहनत करते थे कि धोती पहन करके और सर पे गमछा ले करके और वो चले जाते थे अपने क्लास करने के लिए, और दरभंगा वहाँ स्टेशन पर पहुँच करके वहाँ से दरभंगा के लिए ट्रेन पकड़ लेते थे। डेली का ये काम लगभग इन्होंने, इंटर 2 साल का होता है ना, तो 2 साल तक किया। 1942 में अगस्त की जो क्रांति हुई, ठीक है, इंटर के बाद से जब ये स्नातक कर रहे थे, उसमें फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए ही थे, तब तक की क्रांति हो गई और उसी में ये भाग ले लिया, स्नातक की पढ़ाई अपना बंद करके और कुव्यवस्था के खिलाफ कैदियों को संगठित कर दिए, जो भी वहाँ का व्यवस्था था उनके खिलाफ मिल करके, और ये लड़ाई के बारे में सोचने लगे। अब देखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आप सुने होंगे जेपी आंदोलन, ठीक है, उनके गठित एक आज़ाद दस्ता के सक्रिय सदस्य थे, उसमें एक बहुत अच्छा सदस्य थे, सक्रिय का मतलब एक्टिव थे, उसमें काफ़ी अच्छा से ये भाग लिए थे, कौन, यानी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर। अब यहाँ देखिए 23 अक्टूबर 1943 को 2 बजे रात को ये गिरफ्तार हो गए, यानी कि ठीक उसके 1 साल बाद 43 में, जाहिर सी बात है कि ये क्रांतिकारी थे तो वहाँ के सरकार जो थी उस समय उसमें गिरफ्तार ये हो गए, और गिरफ्तार हो गए तो वहाँ पे उनको कैद कर दिया गया, ठीक है, जो दरभंगा का जेल था, दरभंगा जेल में कैद कर दिया गया, और कैद करने के बाद इन्होंने जेल में ही आंदोलन करना शुरू कर दिया। जो आंदोलनकारी लोग होते हैं ना, वो जहाँ रहेंगे वहीं पे
उनका वही काम ही है और आंदोलन करना शुरू कर देते। इन्होंने भी क्या किया, देखे कि यहाँ कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, कैदियों के लिए वहाँ पे आंदोलन शुरू कर दिया जेल में, और 25 दिन का इन्होंने लगभग भूख हड़ताल किया, ठीक है। और भूख हड़ताल के बाद आखिरकार सरकार, मतलब सरकार को झुकना पड़ा और इनका बात मानना पड़ा, इनकी बात को मानना पड़ा। अब देखिए 1952 में, देखिए प्रथम चुनाव समस्तीपुर के, देखो ताजपुर, यहाँ देखिए धीरे धीरे इनका राजनीतिक जीवन बदलता गया, ठीक है। ये राजनीतिक में भी जाने लगे, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट था, जब क्रांतिकारी हैं तो राजनीतिक तो करना पड़ेगा। और 1952 में प्रथम चुनाव समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सोशलिस्ट पार्टी से ये जीत गए, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा विधानसभा है, ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से ये पार्टी में इलेक्शन जीत गए हैं। अब देखिए यहाँ पे था 1952 का ही बात बता रहे, 1952 से लेकर और 1988 तक ये वहाँ के सदस्य बन रहे, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा रहेगा तभी तक सदस्य बन सकता है। 88 जब तक जिंदा थे सदस्य बन के रहे, ठीक है। और 1967 में यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, जब 1952 से लेकर और 1988 तक इन दोनों के बीच में ये राजनीति किए तो बीच में ये बहुत बार नेता भी बने हैं, यानी 1967 में ये उप मुख्यमंत्री बने हैं और 1970 से लेकर 1977 तक ये मुख्यमंत्री के पद पर काम किए हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है कि जब ये उस समय क्रांतिकारी कर रहे थे, मतलब क्रांतिकारी में भाग ले रहे थे, तो उस समय यानी कि 1957 की घटना है कि वो जब गुजर रहे थे, यानी गांव का दौरा कर रहे थे, तो वहाँ पे देखे कि लोग हैजा से पीड़ित एक व्यक्ति को देखे जो कि जीवन और मौत से लड़ रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल उनके गाँव में नहीं था। उन्होंने उस हैजे का मरीज को अपने कंधे पर उठा करके 5 किलोमीटर दूरी यात्रा तय करके और तब उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, और उन्होंने उसी समय ठान लिया कि कुछ परिवर्तन तो करना पड़ेगा। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारे व्यवस्था भी किए ताकि गरीबों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। अब देखिए, और 1987 में विपक्ष के नेता से उनको हटा दिया गया, और जैसे ही हटाया गया शायद उन्हीं का सदमा लग गया और 17 फरवरी 1988 को उनका हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक से उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। लेकिन फिर भी ये एक भारत के जननायक कहे जाने वाले व्यक्ति जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर, काफ़ी मतलब हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम किए, क्योंकि हम लोग ये नहीं बोले कि भारत में ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लोग हैं, लेकिन इन चीज़ों को देख करके हमारे अंदर ये मोटिवेशन आना चाहिए कि हम लोग भी बिहार के ही उसी धरती के हैं, ठीक है, हम लोग को भी अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।